बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड रन लाया आज आपके लिए आलू चिकन की इंतहाई आसान कबाब रेसिपी, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो शुरू करें। पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, क्योंकि ऑयल की इतनी ज़रूरत नहीं है। प्याज चॉप करी हुई है, इसको ऐड करके इसको थोड़ा सा भुनेंगे हल्का सा। साथ ही मैंने मिर्चें काट के रखी थी, वो भी मिक्स कर दूँगी। और इसको थोड़ा सा हल्का सौते करेंगे। सौते करके फिर बाकी चीज़ें ऐड करी मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून है, और चिकन मैंने जो बॉईल करके रखी थी इसको शेड करके रख लिया है। अब इसको ऐड करके इसमें बाकी मसाले मैं ऐड करूँगी। नमक डाला है थोड़ा, 1 चम्मच। कुटी हुई मिर्चें हैं, ये ऐड करूँगी। साथ ही में सोया सॉस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। इन चीज़ों में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें, मैंने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ऐड किया। काली मिर्च डालूँगी 1 टेबल स्पून, और तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छा भून लेंगे। यहाँ पे मैं ये चिकन की यखनी जो मेरे पास थी वो मैंने ऐड की है, ताकि मसाले जले नहीं। अब चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे, बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों में। और मायनीज़, दोनों चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने पोटैटो बॉईल करके रखे थे, उसको मैश भी कर लिया। इसमें हरा धनिया डाला। अब जो मैंने क्यूमिन सीड और धनिया को मैंने थोड़ा सा मिक्स भून के रख लिया था, अब इसको क्रश करके डालूँगी। ज़्यादा डाला है मैंने 2 दफ़ा। अब नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद थोड़ी कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। ये आलू का अलग बनाया मैंने और चिकन का अलग मसाला बनाया। अब इन तमाम चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि एक दूसरे के साथ मिल जाए। अब हाथ ग्रीस किए मैंने। हाथ ग्रीस करने के बाद मैं इसके एक जैसे कबाब बना लूँगी। अभी इसी तरीके से कबाब बनाएं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये अगर रमज़ानों के लिए बनाएंगे तो आप इफ्तार में भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब तमाम बना के रख लें, फिर मैं ये प्रोसीजर बताऊँगी कि जिस तरीके से मैंने तले। अब मैंने एक अंडा लिया, अंडे को फेंट के रखा है। कॉर्नफ्लोर लिया है थोड़ा सा, इसके साथ काली मिर्ची ऐड करके पानी डाल के इसका घोल बना के रखा है। आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी है इसमें। पहले अंडे में डिप करेंगे हम अपने कबाब। ब्रेड क्रम में डिप करके हम इसको घोल में, फिर दोबारा ब्रेड क्रम में करके फिर हम तलना शुरू करेंगे। ये प्रोसीजर इतना अच्छा था कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। यह हम घर में इसी तरीके से बनाते हैं, आप भी बनाएंगे, यकीनन आपको भी अच्छे लगेंगे। अब देखें कलर अच्छा आ जाएगा हम जब तक इसको तलते रहेंगे पलट के, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। कबाबों का कलर चेंज हो रहा है, देखें। जैसे कलर अच्छा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाएगा, तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। निकाल के हम आप तमाम मैंने कबाब तल लिए हैं। इस रेसिपी को फॉलो करें, हमारी कोटिंग अच्छी क्रंची बनी है। चलें हम इसको चेक करते हैं अंदर से कैसे बने। ये अंदर से भी परफेक्ट डन हो गए। हम इसको सॉस के साथ ट्राई करते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ट्राई करके कमेंट्स करें। मज़ीद वीडियो के लिए यहाँ क्लिक करें, सब्सक्राइब के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।